कैसे हैं आप सर? अब जैसा कि आपको इमेज दिख रहा है ना, इसमें कितने सारे स्क्वायर हैं? अब हमें ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। बहुत से बच्चे ना इसे काउंट करने लगते हैं, 1 2 3 4। मतलब काउंट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है? ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये रॉन्ग ही आंसर है आप अगर काउंट करके इसे लिख रहे हैं तो। ठीक है, इस वीडियो में हम इसी के डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको बेसिकली हम ट्रिक से निकाल सकते हैं और कम टाइम में। काउंट करेंगे तो बहुत टाइम के लिए होगा, ठीक है? तो चलिए, थोड़ा इजी लगेगा आपको मेरे ट्रिक से, चलिए देखते हैं ट्रिक। सबसे पहले ना आप, मैंने छोटा इसलिए लिया है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है? फिर हम उसको बनाएंगे, ठीक है? जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये कॉलम है, ओके? तो मैं इसको C1 लिख देता हूँ, ये भी एक कॉलम है, ठीक है? C2 लिख देता हूँ, ये भी कॉलम है, ठीक है? C3 लिख दिया मैंने, ओके? ये कॉलम का मैंने नाम दे दिया, ओके? अब हम रॉ को देख रहे हैं इस साइड, ठीक है? तो ये R1 लिख दिया मैंने, ये R2 हो गया, ये R3, ठीक है? मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस इसका नाम दिया। अब हमारा जो ट्रिक है, बेसिकली वो ट्रिक पहले अप्लाइड कैसे होगा उसको समझिए। देखिए, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ओके? कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, ओके? और रॉ कितने हैं, 1 2 3, ठीक है? हमारे पास रॉ भी 3 है और कॉलम भी 3 है, यानी हम जो हमारा जो है क्या है, सी इज इक्वल टू आर, जितना कॉलम है उतना हमारा रॉ भी है। तो जब, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब हमारा कॉलम और रॉ का नंबर इक्वल होगा जब ये रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है? अदरवाइज हम दूसरा रूल देखेंगे। तो ये ऐसे ज़्यादातर एग्जाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं हमारे स्क्वायर के ट्रिक क्या है। देखिए मैं ध्यान से क्या लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है? ये 3 ही है ना, 1 2 3, 1 2 3। तो हम इसको इस तरह, यानी हम ये कह सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3, जितना हो अप टू एन स्क्वायर, ठीक है? अप टू एन स्क्वायर, और यही हमारा ट्रिक भी है। तो हम इसमें हमारे पास कितने स्क्वायर हैं ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास 3 ही है ना, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, एन जो है हमारा 3 है, ठीक है? तो इसको ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 1 4 और 9, कितना हो गया आपका, 14, राइट? 14, यानी 14 स्क्वायर है इसमें, ओके? क्लियर हुआ? चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसको भी मैं वैसे ही करता हूँ, क्या करता हूँ, ये C1 दे दिया, C2, C3, C4, ओके? R1, R2, R3 और R4, ठीक है? तो यहाँ बेसिकली पहले वो देख लेंगे कि C इज इक्वल टू R है, हाँ तो है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हमारा रूल अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं रूल क्या हो जाएगा, ट्रिक क्या हो जाएगा, ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 4, 4 है, तो 4 तक जाना है, 4 का स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 और 4 और 9, ये 16, कितना हो गया, 30, यानी इसमें कितने स्क्वायर है, 30 स्क्वायर है, ठीक है? क्लियर हो रहा है? वैसे ही ये भी है, वैसे ही है ना सेम। अब इसको देखेंगे आप, तो ये भी कुछ इस तरह है, ये भी बहुत इजी है। अब आपको इजी लग रहा होगा ये आपको बना के मुझे आंसर में भेजना है, ओके? चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पुराने वाले इमेज की, अब इसको कैसे निकालेंगे। अब तो ये इजी लग रहा होगा ना, मैंने बताया था ना इजी लगेगा, तो वैसे ही काउंट करेंगे। चलिए ये कितना हो जाएगा, C1 C2 C3 C4 5 6 7 8 9 10। यहाँ वैसे ही इधर में भी है, R1 R2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक चीज़ ध्यान देना है, मैंने क्या बताया था कि दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी सी जो है हमारा, सी जो है वो आर के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ इक्वल है, ठीक है? इक्वल है ना, 10 10। तो हम क्या लगाएंगे, वो अपना ट्रिक, ट्रिक क्या था हमारा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है? अप टू कहाँ है, अप टू 10 स्क्वायर, ये है ना, इसको अगर हम ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बताया था
क्लास में, जैसे अब इसको कैसे निकालते हैं, इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, इसके लिए ट्रिक क्या होता है। ये तो ये देखा जाए तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, एडिशन है, फर्स्ट 10 नंबर है ना, तो इसको हम कैसे निकालते हैं। एन हमारा फॉर्मूला क्या है, जरा एक बार रिकॉल कीजिए क्या हमने बनाया था। एन एन प्लस वन, हाँ फिर क्या था, टू एन प्लस वन, ठीक है, और अपन में 6, यही है ना। ये इसके वैसे चाहे तो आप बेसिकली भी निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम किलिंग ज़्यादा होगा, ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं आप, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, आप बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज होगा कि नॉर्मली सर निकाल दो, हाँ टू टू ये कितना हो जाएगा, आप बताइए, आप ऐड कर करके मैं पूछूंगा। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया, 16, ये 25, ये 36 हो गया, ये 49 हो गया, ये 64 हो गया, 81 हो गया, ये 100 हो गया। अब इसको ऐड करिए, आप ऐड करिए ज़रा, 181, 181 प्लस 63, 49, 81, कितना आएगा, 385, ठीक है, आपका भी आ रहा है, चेक कर लीजिए। अब हम इस पे चल रहे, हम इसको ना इतना करने से बचने के लिए हम ना इसको इस ट्रिक पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इसको हम इस ट्रिक पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। चलिए, एन का वैल्यू कितना है, 10, यही है ना, तो 10 प्लस 1, ओके, फिर 2 × 10 प्लस 1, ओके, अपॉन में क्या लगाना है, 6, ये 11th का भी, 11th में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, 11th का ही है वैसे, के लिए ज़्यादातर कम्पिटेटिव में पूछे जाते हैं ये, इसलिए इसका स्पेशल अलग से ट्रिक पढ़ा जाता है, ठीक है। ये कितना हो गया, ये आपका 10 × 11, ये मल्टीप्लाई है, और इंटू कितना हो गया, 21 अपॉन में 6, ठीक है। ये देखो तो 3 7 जा, 3 2 जा, ओके, ये कितना हो गया, 2 5 जा, और ये कितना हो गया, कितना आ गया आपका, 5 × 77। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 35 85, 35 और 3 38, यानी कितना आया हमारा, 35। देखो यहाँ भी हमारा आया था ना 3 3 85, यहाँ भी आया 3 85, यानी हम इससे भी बना सकते हैं, ठीक है, ओके, समझ में आया, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिखिए, ओके, चलिए, धन्यवाद।